हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे तुनिशा शर्मा के सुसाइड केस के बारे में। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा उनको कि सुसाइड करनी पड़ी। वैसे मैं इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूं अलीबाबा के ही सीरियल में, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक एपिसोड आया था जादूगर का, जहाँ पर मैं, तुनिशा और इनके जो को एक्टर थे जिशान, हम तीनों लोग ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ था और बहुत सारी बातें भी हुई थी वहाँ पर। तो मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, उसके बाद बात करते हैं। जानिए बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर एक बात, रोल, कैमरा, एक्शन। तो मैं आप लोग को अपनी बातें बताता हूं कि 24 दिसंबर का दिन था, शाम का टाइम था जब ये न्यूज आई थी। वैसे तो ये घटना घट चुकी थी 3:30 के आसपास, लेकिन जब मेरे को पता चला तो उस समय को 4:30 के आसपास हो रहा था। और मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि यार, जो तुम्हारी को एक्टर थी उसने सुसाइड कर लिया। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं मिला हुआ हूँ तुनिशा से, बहुत अच्छे से हम लोग बात ही किए हुए हैं। और भाई मतलब वो इतनी पॉजिटिव लड़की थी कि वैसे तो वो 20 साल की हैं और इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे नहीं लगता था कि वो सुसाइड करेगी। और जब मेरे पास ये न्यूज़ आई ना, मैं कहा मजाक ना करो, मैं तो ऐसे अवॉइड कर दिया। उसके बाद फिर जब एक और बार फिर किसी और दोस्त का मैसेज आया, यार तुनिशा ने सुसाइड कर लिया, फिर मैंने सर्च किया कि ऐसा क्या सीरियस में हुआ है। फिर जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो फिर मुझे पता चला, रही यार ये तो सीरियस केस है। और उसके बाद भी ये न्यूज़ आ रही थी कि अभी इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ भी, मतलब ऐसा हुआ नहीं कि ये सुसाइड कर ली और डेथ हो गई है। न्यूज़ पर ऐसा बताया जा रहा था कि अभी अटेम्प्ट किया गया था सुसाइड के लिए, अभी हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन उस देर में ये एकदम कन्फर्म हो गई न्यूज़ कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद यार ऐसा शॉक लगा ना कि मतलब ये कैसे कर सकती हैं, क्योंकि जब मैं आज से 1 से 1.5 महीना पहले मेरा एक शूट लगा था अलीबाबा के सीरियल पे ही, उस समय एक एपिसोड शूट किया जा रहा था जादूगर के नाम पे, और मैं वहाँ पर पहुँचा। मतलब मुझे स्टार्टिंग में ये नहीं पता था कि मेरा सीन तुनिशा और जिशान के साथ में ही है। मैं अपना मस्त हंसते खेलते पहुँचा, जिस तरह मैं और रेगुलर पहुँचता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने वैनिटी में था, अपना मतलब रेडी वेडी हुआ। उसके बाद जब मैं सेट पर पहुँचा टाइम पर, तब मैं देखा कि मेरा जो सीन है वो तुनिशा और जिशान के साथ में ही है। तो तब भी हमारी इतनी बातें नहीं हो रही थी क्योंकि फर्स्ट डे था शूट का, और ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही थी कि मतलब और हाय हेलो कैसे हो, जैसे बिछड़े यार हो, ऐसा थोड़ी हुआ। फर्स्ट डे था, पहले सबसे पहले मैं जिशान से जाके मिला और हाय हेलो किया, अपने बारे में बताया। बट जैसे होता है ना कि वो भी बिजी, वो भी सेट पे आए ही थे, और मतलब फिर उनको सीन समझाने लग गया, फिर वो बिजी हो गए। और तब तक तुनिशा आई नहीं थी, उसके थोड़ी देर बाद की वो आई और उनसे भी फिर मैंने हाय हेलो हुआ। पहले दिन मेरा सिर्फ हाय हेलो हुआ और बहुत अच्छे से बातें हुई, ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि वो होता है ना जैसा थोड़ा सा एटीट्यूड वाला बंदा होता है, या फिर एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी लीड कर रही हूँ इस सीरियल में, तुम लोग कहाँ, तुम तो एक छोटा सा रोल करने, समथिंग ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत अच्छे से प्यार से बातें हुई थी उस समय, पहले दिन मेरी बात हुई थी, बट ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ी देर हुई थी, बट बहुत नॉर्मल और अच्छी बातें हुई थी। फिर मैं चलो ठीक है, नॉर्मल हाय हेलो होके हम अपना काम करने लगे थे, क्योंकि मेरा बीच बीच में शूट था। अगर आपको स्क्रीन पे देख रहे होगे, जब तुनिशा वो चाकू वाला सीन मार रही है, दूसरे दिन का शूट था। फिर जब मैं दूसरे दिन पहुंचा तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिशान का अलग से सीन था, वो खाली एक मतलब लुक देना था, तो वो एक बार में ही दे दिया। लेकिन तुनिशा और हमारा जो था वो क्राउड के साथ था, और ये सीन कम से कम 3 से 4 घंटे तक शूट किया गया था। ना वो कहीं मतलब ऐसे पैनिक हुई, ना मैं पैनिक हुआ। जितनी बार रीटेक हो रहा था, रीटेक देख रहा, होता है ना कभी कभी एक्टर ऐसे झल्ली आ जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब इतनी पॉजिटिव थी वो। और जब मैं जैसे सीन ख़त्म होता था, उसके बाद फिर बैठते थे, और जब मैं उनके पास मौका मिला मेरे को बात करने के लिए, तो वो इतने अच्छे से बात कर रही थी यार, कि मतलब मेरे से पूछी कि कहाँ से हो और क्या क्या किए हो, किस मतलब सीरियल ही करना चाहते हो कि मूवीज़ करना चाहते हो, समथिंग ऐसी कुछ बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कदम उठा लेंगे। अब देखो, जब किसी से इंसान से मिलता है तो खुशी खुशी मिलता है, अब उसके लाइफ में क्या चल रहा होता है तो वो थोड़ी बता देगा, वो भी मैं पहली बार जान लो मिल रहा हूँ तो। पर मैं जितनी देर उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, 102-103 दिन जितने भी मेरा शूट था, जितने दिन मैं मिला, उतने दिन में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो लड़की इतनी पॉजिटिव थी और इतनी ज़्यादा काम करने के लिए फोकस रहती थी। मैं देख रहा था कि अकेले उनका सिर्फ सीन रहता था, मतलब वो आएंगे अपना टेक देती थी, सो जाती थी। अगर मैंने वो व्लॉग भी बनाया था अलीबाबा वाले, आप अगर उसको देखोगे तो वो चेयर पे ही सो गई थी, मतलब इतना थक जाते हैं। और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो सुसाइड कर सकती हैं। बट जब न्यूज़ ये आई सामने, तो फिर यार ऐसा धक्का सा लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है इंसान। बट अब क्या सच्ची घटना है, वो तो खोजबीन चली रही है, वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बोलूँ।
बट जब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काम किया हुआ इनके साथ और जिसान के साथ भी काम किया हूँ, वो भी बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मतलब जो कहा जा रहा है, जो सुना जा रहा है मतलब न्यूज़ में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। दोनों लोग बहुत आराम से काम करते थे, हंसी खुशी एकदम रहते थे, मस्त मतलब आराम से। जो अगर उनका सीन रहता था वो अपना करते थे, इनका सीन रहता था ये करते थे। मेरा भी अगर एक दो सीन था उस बीच में तो मैं भी अपना करके आराम से बैठ जाता था, और सब लोग साथ में बैठते थे। ऐसा नहीं होता तो कोई अलग कोने बैठ रहा, कहीं अलग, सब एक ही साथ एक ही जगह बैठते थे बस। हाँ, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे, और नॉर्मल बातें हो रही, हंसी मजाक हो रहा था, मतलब जोक्स वहाँ पे क्रैक किए जा रहे थे, और ऐसा होता है ना, वो थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे सेट पे, जो हर सेट पे होता, वो सारे सीन चल रहे थे। लेकिन उसके बाद ये कदम उठाया गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब ये तो जब सब कुछ पता चल जाएगा तो आप लोग के सामने आ ही जाएगा न्यूज़ में। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उनकी मॉम है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि ना उनके कोई फादर है, मतलब फादर नहीं है, फादर की भी डेथ हो गई थी शायद, ना कोई ब्रदर है, सिर्फ मॉम थी उनकी। और अब बस उनकी जो मॉम है वो थोड़ा स्ट्रांग रहें, मतलब अपने आप को मतलब सर्वाइव करें। होता है यार बहुत बड़ी, मतलब ये है कि मतलब खाली माँ बेटी थी और ऐसी कदम उन्होंने उठा लिया, उसके बाद मॉम एकदम अकेली हो गई हैं। बट यही है कि यार स्ट्रांग रहें, और इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोल सकता हूँ। कोई नहीं, पर जब सुना था ये न्यूज़ तो बहुत बुरा लगा था यार, मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जब मैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ यार, मैं बार बार वो चीज़ घुमा घुमा के बोल रहा हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ क्या उसके बारे में, मतलब ऐसा क्या क्यों हुआ। बट जो भी होगा वो ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। वैसे मैं कल एक बार मैं सोच भी रहा था कि जाऊँ पेनिनसुला प्रोडक्शन एक बार, वैसे काम भी था और साथ में मैं कुछ काम भी, इस बारे में भी बात करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। बट कोई नहीं, अब बस भगवान थोड़ा सा उनकी मॉम के साथ साथ दें और उनकी आत्मा को शांति दे। बस यार ये बोलना चाहूँगा, और आज के लिए बस इतना यार, जो भी है कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।